हेलो एवरीवन मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम समझने जा रहे हैं वो है ओम्ब लोकपाल एंड लोकायुक्त सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं ओमबिन पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसी वीडियो में मैंने एक और बात बताई थी कि वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के आने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स में राइज हुआ क्योंकि वेलफेयर से रिलेटेड स्कीम्स एंड सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं तो लोगों तक पहुंचानी थी तो इस बढ़ती हुई पावर से क्या हुआ ब्यूरोक्रेसी अपनी पावर का मिस करने लगी जिससे लोगों को उनसे नाराजगी होने लगी और इन्हीं शिकायतों और ग्रीवेंसेज से डील करने के लिए काफी सारे मैकेजम्स तैयार किए गए जिनमें से एक था अम्बजन बिकॉज नीड विज फेल कि एक ऐसी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाई जाए जो कि जनता की डिमांड्स को मीट कर सके जो उन्हें शिकायतें हैं एडमिनिस्ट्रेशन से उनको एड्रेस कर सके और इसी प्रकार एग्जिस्टेंस में आया अम्ब सबसे पहले इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया था स्वीडन में ईयर एटीन में फिर उसके बाद इसको स्टैब्लिश किया गया फिनलैंड में फॉलोड बाई डेनमार्क न्यूजीलैंडी टू यूनाइटेड किंगडम इन 1967 सिक्सटी एंड स्पेन में ये क्रिएट किया गया था 1981 में अलग अलग देशों में ये अलग अलग नाम से जाना जाता है यूक्रेन में इसे बोला जाता है यूक्रेनियन पार्लियामेंट कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स साउथ अफ्रीका में इसे बोला जाता है गार्जियन ऑफ द पीपल पोलैंड में इसको बोला जाता है कमिश्नर फॉर सिविल राइट प्रोटेक्शन फ्रांस में इंटरमीड ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक ग्रीस में ऑम्ब ग पार्लियमेंट्री कमीशन अलॉन्ग विद डिडर ऑफ द पीपल इन स्पेन तो ये अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग देशों में यह आपको पता होना चाहिए सो बेसिकली ओम्बमेन जो है वो एक स्वीडिश वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है एक इंटरेस्टेड पर्सन या ए ग्रीवंस रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि एक ऐसा पर्सन जिसको आप कोई ड्यूटी देते हो और वो उसको फुलफिल करेगा तो एक ऐसा ऑफिसर होता है जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है किस चीज से डील करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट कम्प्लेन से डील करने के लिए या जुडिशरी के अगेंस्ट कम्पलेन से डील करने के लिए जो जुडिशियल एक्शन होते हैं उनसे रिलेटेड कंप्लेन से डील करने के लिए ये एक इम्पार्शल इन्वेस्टिगेटर होता है विच मीन्स कि निष्पक्ष होकर जांच करता है इन्वेस्टिगेशन करने के साथ साथ वो फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली कलेक्ट करता है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ बायस और फिर लेजिस्लेचर को रिपोर्ट करता है वो अपने आप से भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या जो लोगों ने कम्पलेन्ट्स करी हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स के खिलाफ करप्शन की उन कंप्लेन के बेसिस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और लेजिस्लेचर या विधान पालिका के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है हालांकि ये बात बतानी जरूरी हो जाती है कि हर जगह ये प्रोसेस डिफरेंट है तो ओम्बन की अगर मीनिंग की हम बात करें तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो या तो देश के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया जाता है या देश के लेजिस्लेचर द्वारा या देश की नेशनल पार्लियामेंट द्वारा और इसको हेड कौन करता है एक इंडिपेंडेंट ऑफिशियल तो जो इंस्टीट्यूशन है वो भी ओम्बेन है जो ऑफिशियल है जो उसको हेड कर रहा है वो भी अम्बड्समैन है हर कंट्री में ये डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कहीं पे देश के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा तो कहीं पे लेजिसलेचर द्वारा और ये वर्क कैसे करते हैं अम्बड्समैन सिटीजन से कंप्लेंट्स रिसीव करता है रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एजेंसीज एम्प्लॉयज के अगेंस्ट कम्पलें हैं करप्शन से रिलेटेड उन कम्पलेंट्स को ये रिसीव करता है फिर इन्वेस्टिगेशन करता है फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट एक्शन वो रिकमेंड करता है और साथ ही साथ एक रिपोर्ट भी इशू करता है तो हम सम कैसे कर सकते हैं हम समप कर सकते हैं ये कह के कि ओम्बमैन क्या है ओम्बमैन एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है ये क्या होते हैं ये सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाली वीडियो में हमने समझा था कि लोगों की या सिटीजन की जो शिकायतें हैं एडमिनिस्ट्रेशन से उनसे ये डील करते हैं तो ये भी एक तरह का ऐसा ही इंस्टीट्यूशन है या ऑफिस है जो सरकार की उनके ऑफिशियल्स के एक्शंस को चेक करता है इन्वेस्टिगेट करता है और जनता की जो कंप्लेंट्स हैं उनको रिजॉल्व करता है और हर देश में ये ऑफिस डिफरेंट नामों से जाना जाता है इंडिया के परस्पेक्टिव में इसे लोकपाल कहा जाता है सेंट्रल लेवल पर लोकपाल स्टेट लेवल पर लोकायुक्त ये सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कनेक्टिंग लिंक बनता है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस्टिक वे में अंडरस्टैंड करने के लिए ओम्ब का जो इंस्टीट्यूशन है ये इंडिपेंडेंट है और एक सेपरेट एंटिटी है ये किसी के कंट्रोल में नहीं है चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिसलेचर इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है ये विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर और ये करप्शन के चार्जेस पर इंक्वायरी करता है अगेंस्ट होम अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स ओम्ब्समैन के पास अथॉरिटी होती है कि वो किसी पर्टिकुलर केस की कंप्लीट डिटेल भी मांग सकता है और वो इंक्वायरी भी डिमांड कर सकता है जब उसे लगता है कि सिविलियन के साथ कुछ गलत हुआ है उसके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है तो सिविलियंस जब कम्पलेंट्स फाइल करते हैं ओम्ब्समैन उन कम्प्लेन को देखता है और अगर उसको लगता है कि सिविलियन की कंप्लेन सही है उसके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है तो वो फर्दर इंक्वायरी कर सकता है और इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिस वजह से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी बन जाता है और वो रीज़न ये कि जो इसकी जूरस्डिक्शन है दैट वेरीज फ्राम कंट्रीज टू कंट्रीज ओम्बमैन की जूरस्डिक्शन में कौन कौन से ऑफिशियल्स आते हैं किन ऑफिशियल्स के खिलाफ ये इंक्वायरी कर सकता है कि कंट्री टू कंट्री डिफर करता है कुछ कंट्रीज़ में जुडिशरी भी ओमबड्जमैन के अंडर आती है लेकिन बाकी कंट्रीज़ में वो एक्सक्लूडेड है वहीं कहीं पर प्राइम मिनिस्टर को एक्सक्लूड कर दिया जाता है ओम्बमैन की जूरस्डिक्शन से तो ये जूरिस्टिक्शन डिफर करती है और इस वजह से कई बार लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि ओम्बड्समैन के अंदर आता कौन कौन है किन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट ऑम्बड्समैन इंक्वायरी कर सकता है उनके अगेंस्ट करप्शन के एलिगेशन देख सकता है कुछ देशों में ओम्ब्समैन एक पब्लिक प्रोजीक्यूटर की तरह भी कार्य करता है सिविलियंस के राइट्स को डिफेंड करने के लिए हालांकि ये बहुत रेयरली होता है जो पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ पर प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करता है कई केसेस में तो ओम्बमेन मिनिस्टर्स को भी प्रोजिक्यूट कर सकते हैं मिनिस्टर्स पर भी मुकदमा चला सकते हैं लेकिन यह हर देश में नहीं होता है बिकॉज लाइक ए सट जूरेशन जो है इट डिफर्स फ्रॉम कंट्रीज टू कंट्रीज ये वहीं पर हो सकता है जहां पर मिनिस्टर्स जूरस्डिक्शन में इंक्लूडेड होते हैं द ओम्बेन इज ऑल्सो सपोज टू बी अनबायस्ड ओम्बैन को अनबायस्ड होना चाहिए किसी भी प्रकार की बायसनेस के साथ कार्य नहीं करना चाहिए इंक्वायरी भी अनबायस्ड होके करनी चाहिए तो ये थे ओम्ब के फीचर्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ओम्ब्समैन क्या होता है मेनली ये पब्लिक सर्वेंस के अगेंस्ट जो करप्शन के एलिगेशन होते हैं उनको इंक्वायर करता है और ये कम्पलेंट्स की जाती हैं सिटीजन्स द्वारा ये कम्प्लेन रिसीव करता है उन पर इंक्वायरी करता है और फिर फर्दर एक्शन सजेस्ट करता है इसकी फंक्शनिंग को हम बेटर तरीके से तब समझ पाएंगे जब हम लोकपाल समझेंगे तो अब आ जाता है लोकपाल जो कि है इंडियन ऑम्बेन लोकपाल का मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल और जैसा कि मैंने पहले बताया लोकपाल क्या करता है करप्शन के जो एलिगेशन होते हैं उनको इंक्वायर करता है और वो करप्शन के एलिगेशन किन के अगेंस्ट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके इंप्लॉयज के अगेंस्ट तो सेंट्रल लेवल पर तो लोकपाल है और स्टेट लेवल पर है लोकायुक्त जो करप्शन के एलिगेशन की इंक्वायरी करता है और ये जो कॉन्सेप्ट है ऑम्ब्समैन का वो इंडिया में सबसे पहले प्रपोज किसके द्वारा किया गया था अशोक कुमार सेन द्वारा ड्यूरिंग द नाइनटीन सिक्सटीज ये हमारे तब के लॉ मिनिस्टर थे और जो टर्म है लोकपाल और लोकायुक्त कॉइन की गई थी डॉक्टर एल एम सिंघवी द्वारा जो कि एक जूरस्ट थे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे और साथ ही साथ डिप्लोमैट भी थे इंडिया में अगर लोकपाल की हिस्ट्री की हम बात करें तो 1966 में क्या हुआ था जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था उसने रेकमेंड किया था कि दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाए एक सेंटर लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर जो पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट्स को देखे और इसमें उन्होंने एमपीस को यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी इंक्लूड किया था उसके बाद 1968 में लोकपाल बिल को लोकसभा में पास तो किया गया बट ये लैप्स कर गया क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गई और उसके बाद भी 2011 तक आठ ऐसे अटेम्प किए गए कौन से ईयर्स हैं आप ये नोट डाउन कर सकते हैं या इनका स्क्रीन ले सकते हैं 1971 177 1985 1989 1996 1998 2001 2005 एंड 2008 बट ये सब अटेम्प्ट एक फेलियर रहे 2002 में कमीशन था जिसका नाम था कमीशन टू तो रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसको हेड किया गया था एम एन वेंकट चैलैया द्वारा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं उस कमीशन ने भी लोकपाल के एस्टेब्लिशमेंट को प्रपोज किया और साथ ही साथ ये भी प्रपोज किया कि प्राइम मिनिस्टर को लोकपाल की जूरिस्टिक्शन से बाहर रखना चाहिए लोकपाल उन्हें ना इंक्वायर कर सके और सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन में भी यही रिकमेंड किया गया कि लोकपाल को स्टैब्लिश किया जाए और ये कमीशन किसके द्वारा चेयर किया गया था वीरप्पा मोइली द्वारा और लोकपाल बिल का दोबारा प्रपोजल रखा गया 2011 में करप्शन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म किया था जिसके चेयरपर्सन थे प्रणब मुखर्जी और उस ग्रुप ने सजेस्ट किए थे कुछ ऐसे मेजर्स जिनके द्वारा करप्शन को कंट्रोल किया जा सकता है और उन्हीं में से एक था लोकपाल बिल के प्रपोजल को एग्जामिन करना फिर उसके बाद हम सब जानते हैं कि क्या आया इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट विच इज लेड बाय अन्ना हजारे और इस मूवमेंट ने प्रेशर डाला उस समय की यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट पर एंड दिस रिजल्टेड इन पासिंग ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल इन 2013, इस वजह से लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल को पास किया गया इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिला एक जनवरी 2014 में और ये फोर्स में आया कब 16 जनवरी 2014 में इसको बोला यही जाता है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट टू जिसमें लोकपाल और लोकायुक्त से रिलेटेड सारे प्रोविजंस बताए गए हैं तो इस प्रकार लोकपाल इंडिया में स्टैब्लिश हुआ अब बात कर लेते हैं लोकपाल की कॉम्पोजिशन की ये बनता कैसे इसमें कौन कौन आता है तो सबसे पहले इंडिया में ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है इसमें एक चेयरपर्सन है और मैक्सिमम ऑफिस में आठ और आ सकते हैं और लोकपाल का चेयरपर्सन कौन होता है या तो एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के कोई फॉर्मर जज या एक एमिनेंट पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज अब एमिनेंट पर्सन कौन होता है सुनने में तो ये बड़ा टेक्निकल लग रहा है एमिनेंट पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है वो फेमस भी होता है और उसकी रिस्पेक्ट भी होती है उसके पास नॉलेज भी होती है तो ऐसा एमिनेंट पर्सन जिसके पास कम से कम पच्चीस साल का एक्सपर्टीज होना चाहिए और एक्सपर्टीज कौन कौन से फील्ड्स में होनी चाहिए किन किन मैटर्स पर होनी चाहिए एंटी करप्शन पॉलिसी से रिलेटेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विजिलेंस फिनेंस या लॉ एंड मैनेजमेंट इनमें से किसी भी मैटर पर उनके पास कम से कम 25 साल की एक्सपर्टीज होनी चाहिए रिपीटिंग इट अगेन या तो फॉर्मर सी या फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज या एक एमिनेंट पर्सन विद ट्वेंटी फाइव इज ऑफ एक्सपर्टीज बाकी आठ मेंबर्स की बात करें तो उनमें से आधे जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए जुडिशियरी से रिलेटेड होने चाहिए और उन आठ मेंबर्स में से जो पचास परसेंट है मिनिमम मेंबर्स यानी कि चार मेंबर्स वो एस सी एस सी ओबीसी माइनॉरिटीज एंड वेमेन में से होने चाहिए और जुडिशियल मेंबर्स कौन हो सकते हैं लोकपाल के या तो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज या हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस ये लोग जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं यहां पर बाकी आठ मेंबर्स की बात हो रही है और जो नॉन जुडिशियल मेंबर्स हैं विच मीन्स द रेस्ट ऑफ द फोर मेंबर्स वो भी एमिनेंट पर्सन होने चाहिए अब आपको पता चल गया है, एमिनेंट पर्सन का क्या मतलब है और यहां भी उनके पास कम से कम पच्चीस साल की एक्सपर्टीज होनी चाहिए सो दैट मीन्स एट मेंबर्स जिनमें से आधे जुडिशियल आधे नॉन जुडिशियल होते हैं और आठ में से फिफ्टी परसेंट जो हैं वो एस ओबीसी माइनॉरिटीज एंड वेमेन में से होने चाहिए दिस इज द कंपोजिशन ऑफ लोकपाल तो लोकपाल फंक्शन कैसे करता है ये हम इसके फीचर्स के थ्रू समझ लेते हैं लोकपाल चेयरमैन की और मेंबर्स की जो टर्म है वो कितनी है फाइव इयर्स पांच साल की टर्म है या टिल दे अटेन द एज ऑफ सत्तर साल जब तक वो सेवेंटी इयर्स की एज को अटेन कर लेते हैं विच एवर इज अर्लियर मेंबर्स को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा किसकी रेकमेंडेशन पर सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पर सिलेक्शन कमेटी क्या होती है इसमें कौन कौन आता है सिलेक्शन कमेटी में आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन भी होते हैं सिलेक्शन कमेटी के उसके अलावा स्पीकर ऑफ द लोकसभा लोकसभा में जो ऑपोजिशन के लीडर हैं वो भी इसमें आते हैं देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज नॉमिनेटेड बाय हेम और हर या तो सीजे या उनके द्वारा नॉमिनेटेड कोई जज एंड वन एमिनेंट एमिनेंट फिर आ गया लेकिन यहां पर एमिनेंट है विच जिसके पास लॉ में एक्सपर्टीज हो तो इन लोगों से बनती है सिलेक्शन कमेटी फिर इसमें आती है लोकपाल सर्च कमेटी लोकपाल सर्च कमेटी क्या करती है इसका काम होता है चेयरपर्सन और जो मेंबर्स ऑफ द लोकपाल हैं उनको सिलेक्ट करना अंडर द लोकपाल एक्ट ऑफ 2013 और लोकपाल सर्च कमेटी में भी आठ लोग ही होते हैं और ये सिलेक्शन किस बेसिस पर करती है ये सिलेक्शन करती है एक ऐसी लिस्ट से जो कि प्रिपेयर की जाती है किसके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी ये जो आप नीचे देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है जो आप यहां देख रहे हैं डी ओ पी टी ये एक लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स प्रिपेयर करता है जो लोकपाल बनना चाहते हैं या उसके मेंबर्स बनना चाहते हैं तो डी ओ पी टी जो है वो उस लिस्ट को प्रिपेयर कर देता है और उस लिस्ट को किसके पास भेजता है उस लिस्ट को भेजता है सर्च पैनल के पास या सर्च कमेटी के पास ये सर्च कमेटी क्या करती है वो जो लिस्ट बनाई गई है उनमें से नेम्स को शॉर्ट लिस्ट करती है ठीक है और उन नामों को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद वो फर्दर क्या करती है वो फर्दर इसे भेज देती है सिलेक्शन पैनल के पास या सिलेक्शन कमेटी के पास जिसमें कौन आते हैं प्राइम मिनिस्टर आते हैं स्पीकर आते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन आते हैं सी आते हैं सो फ्रॉम डी टू सर्च कमेटी या पैनल टू फाइनली सिलेक्शन कमेटी तो सिलेक्शन कमेटी क्या करती है जो शॉर्टलिस्टेड नेम्स भेजे हैं सर्च कमेटी या पैनल ने उनमें से लोकपाल के चेयरपर्सन और बाकी के मेंबर्स को सिलेक्ट करती है इस प्रकार सिलेक्ट किया जाता है लोकपाल चेयरमैन को और बाकी के मेंबर्स को नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। लोकपाल की जूरिस्टिक्शन क्या है किन किन पब्लिक ऑफिशियल्स पर लोकपाल इंक्वायरी कर सकता है तो सबसे पहले जो जुरिस्टिक्शन में आते हैं लोकपाल की दैट इज द प्राइम मिनिस्टर फॉलोड the ministers, मिनिस्टर्स of ऑफ पार्लियामेंट्स ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर्स एंड ऑफिशर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब लोकपाल की जुरुस्टिक्शन पे आते हैं इन सब पर लोकपाल इंक्वायरी कर सकता है लेकिन कुछ ऐसे एरियाज होते हैं प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो लोकपाल की जुरिस्टिक्शन पर नहीं आते हैं जिन पर वो करप्शन के एलिगेशन को इंक्वायर नहीं कर सकता है और वो एरियाज हैं रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री रिलेटेड टू अव पब्लिक ऑर्डर एंड एटमिक एनर्जी एंड स्पेस ये सब नहीं आता है जूरिस्ट्रिक्शन में लोकपाल की इसके साथ ही साथ मिनिस्टर्स एंड एम पी जो कुछ भी कहते हैं पार्लियामेंट पर या जिस भी प्रकार से वहां पर वोटिंग करते हैं ये भी लोकपाल की जूरिस्ट्रिक्शन में नहीं आता है तो इससे आपको क्लियर रह हो रहा होगा क्या आता है क्या क्या नहीं इनकी जो में आता है देन ऐसी कोई भी बॉडी या सोसाइटी जो एक सेंटर के एक्ट के द्वारा स्टेब्लिश की गई है या ऐसी कोई भी बॉडी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस करती है या कंट्रोल करती है तो ऐसी किसी भी बॉडी का जो पर्सन इंचार्ज है वो भी इसके अंडर आता है या ऐसा कोई भी पर्सन जो किसी गलत या लीगल कार्य में इन्वॉल्व हो ड्राइवरी ली हो या दी हो ये सब भी लोकपाल की जो में आते हैं और साथ ही साथ लोकपाल आदेश दे सकता है पब्लिक ऑफिशियल्स को कि उनके पास जितनी भी एसेट्स या संपत्ति है और जितनी भी लाइबिलिटीज या डेथ है वो सब वो प्रस्तुत करें फर्निश करें और साथ ही साथ जो उनके डिपेंडेंट्स हैं जो उन पर डिपेंडेंट हैं उनकी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को फर्निश करें और साथ ही साथ जो उनके डिपेंडेंट्स हैं जो उन पर डिपेंडेंट हैं उनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज को भी प्रेजेंट करें इट हैज द पावर टू सुप्रीटेंडेंस ओवर एंड गिव डायरेक्शन टू सी बी आई ये सीबीआई को यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भी डायरेक्शन दे सकता है किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने की अगर उसे ऐसा लगता है तो और अगर लोकपाल ने केस रेफर कर दिया सीबीआई को तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको लोकपाल की परमिशन के बिना लोकपाल के अप्रूवल के बिना ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो लोकपाल सीबीआई को भी निर्देश दे सकता है इन्वेस्टिगेशन करने की साथ ही साथ लोकपाल हैज द पावर ऑफ कन्फिस्केशन ऑफ एसेट्स प्रोसीड्स, रिसीट्स एंड बेनिफिट्स अराइजन और प्रोक्योर्ड बाय मीन ऑफ करप्शन इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस करप्शन के माध्यम से जितनी भी एसेट्स या संपत्ति प्रोसीड्स कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और एसेट्स जो कैश रिसीव होता है गुड्स को सेल कर कर या संपत्ति को सेल करकर रिसीट्स या अर्निंग्स और ऐसे सभी बेनिफिट्स जो करप्शन के माध्यम से गेन किए गए हैं ऐसी सभी चीजों को लोकपाल कंफ्रिस्केट कर सकता है उन्हें जब्त कर सकता है ये पावर है उसके पास लोकपाल रेकमेंड कर सकता है कि पब्लिक सर्वेंट को ट्रांसफर किया जाए या उसे सस्पेंड किया जाए ऐसे पब्लिक सर्वेंट को जो करप्शन से रिलेटेड है फिर लोकपाल के पास एक और पावर है ऐसी डायरेक्शंस या निर्देश देने की जिनके द्वारा इंक्वायरी के दौरान रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करने से प्रिवेंट किया जाए तो ऐसे निर्देश दे सकता है जिनके थ्रू रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय होने से रोका जा सके लोकपाल के बहुत दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोन हैं एक है इंक्वायरी विंग और दूसरा है प्रोजिक्यूशन विंग इंक्वायरी विंग जो है वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करता है और इंक्वायरी विंग के पास वही पावर्स हैं जो एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 तो ये इंक्वायरी विंग जो है ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करता है ऐसे पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जिस पर करप्शन के चार्जेस हों इसके पास पावर होती हैं एक पर्सन को समन करने की उसको ओथ दिलवाने की इनके पास पावर होती है किसी भी कोर्ट या ऑफिस से कोई पब्लिक रिकॉर्ड मांगने की या उसकी किसी कॉपी को मांगने की इनफैक्ट ये किसी कमीशन को भी इशू कर सकता है विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स की एग्जामिनेशन के लिए उसके बाद आता है प्रोजीक्यूशन विंग विच इज हेडेड अ डायरेक्टर ऑफ प्रोजीक्यूशन तो अगर पब्लिक सर्वेंट को प्रोजीक्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलाने की जरूरत पड़ती है तो एक प्रोजीक्यूशन विंग कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है जिसके हेड होते हैं डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन तो अब आप सोच रहे होंगे ये प्रोसेस कैसे चलती है कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं आपको समझाती हूँ नीचे इस डायग्राम के थ्रू अब आपको पूरी प्रक्रिया समझ आ जाने वाली है लोकपाल की बस अब जो मैं समझाने जा रही हूँ उसको आप समझ लो आपको लोकपाल की पूरी प्रोसेस समझ में आ जाने वाली है तो सबसे पहले क्या होता है स्टेप वन क्या होता है स्टेप वन होता है कंप्लेंट कोई भी सिटीजन जो है वो कंप्लेन फाइल कर सकता है किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट ये ऑनलाइन भी फाइल की जा सकती है बाय पोस्ट भी फाइल की जा सकती है तो इस कंप्लेन को रिसीव करता है कौन लोकपाल लोकपाल को अगर लगता है कि कंप्लेन जो है वो जायज है सिटीजन के साथ इनजस्टिस हुआ है या उसे करप्शन के चांसेस दिख रहे हैं तो फिर स्टार्ट होती है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी वो इंक्वायरी स्टार्ट कर देते हैं या तो ये इंक्वायरी विंग के द्वारा की जाती है या ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टेब्लिशमेंट द्वारा भी की जा सकती है फिर इंक्वायरी के बेसिस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है विद इन सिक्सटी डेज उसके बेसिस पर एक एक्शन लिया जाता है लोकपाल द्वारा कि क्या कंप्लेन को एंड कर देना चाहिए या इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या ये कंसर्न मिनिस्ट्री को रेफर कर देना चाहिए तो तीन चॉइस है या तो कंप्लेन को खत्म कर दिया जाता है या फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाती है या कंसर्न मिनिस्ट्री को रेफर कर दिया जाता है तो वो मिनिस्ट्री फर्दर एक्शन लेती है उस पब्लिक सर्वेंट पे और ये जो एक्शन है ये नाइन्टी डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए इसके बाद आती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन देखिए सेकेंड ऑल्टरनेटिव था फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होती है अगर लोकपाल को लगता है कि अभी और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है तो ये इन्वेस्टिगेशन की जाती है प्रोजीक्यूशन विंग द्वारा या सीबीआई द्वारा जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था फिर प्रोजीक्यूशन विंग क्या करता है प्रोजीक्यूशन विंग इन्वेस्टिगेशन करता है और उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करता है और फाइनली वो स्पेशल कोर्ट में एक केस फाइल कर देता है उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट तो ये पूरी प्रक्रिया होती है लोकपाल की अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे यह प्रक्रिया चलती है तो यह होता है लोकपाल जो सेंट्रल लेवल पर पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट करप्शन के जो एलिगेशन हैं, उनकी इंक्वायरी करता है और फिर फर्दर एक्शन सजेस्ट करता है अब आता है लोकायुक्त जैसे सेंट्रल लेवल पर क्या है लोकपाल है स्टेट लेवल पर है लोकायुक्त तो ये जो स्टेट लेवल के ऑफिशियल्स हैं जैसे कि स्टेट मिनिस्टर सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिशियल्स स्टेट लेवल ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कंप्लेन देखता है करप्शन की एम इसका भी वही है जो लोकपाल का है करप्शन के चार्जेस देखना इन्वेस्टिगेशन करना लोगों की जो शिकायतें हैं या एलिगेशन हैं पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट उनके अगेंस्ट इंक्वायरी करना तो लोकायुक्त को कैसे अपॉइंट किया जाता है जिसे लोकपाल को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा लोकायुक्त को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर द्वारा क्योंकि ये स्टेट लेवल पर है और लोकायुक्त को अपॉइंट करते समय हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी कंसल्ट किया जाता है पांच साल का टेन्योर होता है लोकायुक्त का या टिली फाइव इंस जो भी अर्लियर है और सेकेंड टर्म के लिए उनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है तो लोकपाल में टेन्योर था फाइव इन सेवेंटी ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर और, और यहाँ पर क्या फाइव और सिक्सटी फाइव ऑफ एज एवर इज अर्यर और ऐसी पहली कौन सी स्टेट थी जहां पर लोकायुक्त अपॉइंट महाराष्ट्र दूसरी स्टेट्स में भी आया जैसे कि राजस्थान आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश कर्नाटका बिहार और मंगादर्स प्रेजेंटली लोकायुक्त का ये जो इंस्टीट्यूशन है ये ऑलमोस्ट ट्वेंटी इंडियन स्टेट में है और लोकायुक्त के साथ साथ एक उपालोकायुक्त लोकायुक्त भी होता है जो कि ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कंप्लेन से डील करता है और लोकायुक्त का जो वर्किंग स्टाइल है इट इज द सेम एज लोकपाल सबसे पहले कंप्लेन रिसीव करना फिर उसके बेसिस पर इंक्वायरी करना फिर एक रिपोर्ट तैयार करना जिसके बेसिस पर एक एक्शन रेकमेंड किया जाता है लोकायुक्त की जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है विच मीन्स ये स्टेट टू स्टेट डिफर करती है कि लोकायुक्त के अंदर कौन आता है किन किन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट लोकायुक्त इंक्वायरी कर सकता है ये डिफर करता है फॉर एग्जाम्पल कुछ ही ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें सी एम लोकायुक्त के जुरिस्टिक्शन में आता है जैसे कि महाराष्ट्र यूपी और राजस्थान में चीफ मिनिस्टर लोकायुक्त के जुरुस्टिक्शन में नहीं आते हैं वह आज हिमाचल प्रदेश में आते हैं आंध्र प्रदेश में आते हैं मध्य प्रदेश में भी आते हैं हालांकि लगभग सभी स्टेट्स में जो मिनिस्टर्स हैं या हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो लोकायुक्त की जुरिस्डिक्शन में आते हैं महाराष्ट्र जैसी स्टेट में तो जो फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं इसके अलावा ये स्टेट लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो लेजिस्लेचर में प्रेजेंट की जाती है यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट की जाती है और जो इसके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती हैं उसको हाउस के द्वारा यूजली एक्सेप्ट कर लिया जाता है सो so बेसिकली जो स्टेट लेवल पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो लोकायुक्त के अंडर आते हैं इसकी जुरिस्टिक्शन में आते हैं चीफ मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स सेक्रेटरी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट लेवल पब्लिक सर्वेंट्स स्टेट लेवल के एम्प्लॉय ये सभी लोकायुक्त की जुरिस्टिक्शन में आते हैं सो so, जो लोकायुक्त के फ्क्शंस हैं दे आर ऑल्सो द सेम एज लोकपाल जिन्हें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है इनके पास सुपरविजनरी पावर्स होती हैं प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के दौरान प्रॉपरली चीज़ों को सुपरवाइज और डायरेक्ट करते हैं इनके पास सर्च एंड सीजर की पावर है ये अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स कैश या ज्वेलरी को सर्च एंड सीज कर सकते हैं कुछ केसेस में इनके पास सिविल कोर्ट की पावर आ जाती है जैसे कि लोकपाल के केस में भी हमने डिस्कस किया था ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सर्विसेज को भी यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो ये ऑफिशियल से उनकी एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और यहां तक कि उनकी एसेट्स को प्रोसीड्स को रिसीट्स को या बेनिफिट्स को कन्फिस्केट या जब्त भी कर सकते हैं जो कि करप्शन की मीन्स के दौरान इकट्ठी की गई थी ये पब्लिक सर्वेंट का ट्रांसफर या सस्पेंशन भी रिकमेंड कर सकते हैं एंड जस्ट लाइक द लोकपाल द लोकायुक्त कैन प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ड्यिंग द प्रीलिमिन इंक्वायरी तो ये होते हैं फंक्शन लोकायुक्त के विच आर दोकपाल तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनके द्वारा जनता के ग्रीवेंस को रेड्रेस किया जाता है तो क्या लोकपाल और लोकायुक्त की कुछ लिमिटेशन भी है बिल्कुल है सबसे पहला है लैक ऑफ पोलिटिकल विल देखिए एक्ट बनने के लगभग छह साल बाद तो लोकपाल को अपॉइंट किया गया तो ये लैक ऑफ पॉलिटिकल विल ही तो शो करता है कि पॉलिटिशियन ज्यादा विलिंग नहीं है लोकपाल और लोकायुक्त को लेकर ऑल्सो लोकपाल इज नॉट फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ये किसी पॉलिटिकल या राजनीतिक इन्फ्लुएंस या प्रभाव से फ्री नहीं है क्योंकि देखिए जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें भी तो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हैं लीडर ऑफ अपोजिशन उसका पार्ट है प्राइम मिनिस्टर उनका पार्ट है एमिनेंट जूरिस्ट या पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी ये क्या है इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है किस क्राइटेरिया के थ्रू डिसाइड किया जा सकता है कि कौन एक एमिनेंट जूरिस्ट है हम कैसे डिसाइड करें कि एक पर्सन बहुत रिस्पेक्टेबल है बहुत नॉलेजेबल है ऐसा कौन सा क्राइटीरिया है जिसके थ्रू ये फाइंड आउट किया जा सकता है तो यहाँ भी चांसेस हो जाते हैं कि लोकपाल के अपॉइंटमेंट को मैनिपुलेट किया जा सकता है ऑल्सो द एक्ट डिड नॉट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द विसल ब्लोअर्स विसल ब्लोअर्स कौन होते हैं जो इलीगल एक्ट्स के बारे में यह करप्शन के बारे में इन्फॉर्म करते हैं उनको विसल ब्लोअस कहा जाता है तो ऐसे लोगों को कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड नहीं है अगर इंक्वायरी के दौरान जरूरत पड़े तो उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज भी कर दी जाती है तो ये भी एक लिमिटेशन है लोकपाल और लोकायुक्त का जिसकी डर से लोग कंप्लेन से नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी आइडेंटिटी तो प्रोटेक्टेड ही नहीं है और अगर ये आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई तो ऑफिशियल उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता है ऑल्सो जुडिशरी को एक्सक्लूड किया गया है लोकपाल की जुड़िस्ट्रिक्शन से ये हम एक लिमिटेशन बता सकते हैं इसकी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन द कंप्लेन अगेंस्ट करप्शन केन नॉट बी रजिस्टर्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ सेवन ईयर्स ऑफ कमिटिंग द एक्ट एक्ट करने के सात साल बाद आप करप्शन की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर सकते हैं सुलत so, से आज करप्शन का एक्ट हुआ तो आज से सात साल बाद आप उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते हैं टाइम पीरियड सिर्फ सात साल है सेवन इयर्स ओनली इसके अलावा लोकलग से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हैं जैसे कि देर इज नो क्लैरिटी कोई क्लैरिटी नहीं है उनकी कॉम्पोजिशन को लेकर उनकी पावर्स को लेकर और दूसरे फीचर्स को लेकर स्टेट टू स्टेट जूरिस्डिक्शन डिफर करती है तो क्लैरिटी नहीं है स्टेट्स के पास पूरी ऑटोनॉमी है कि कैसे उनके लोकायुक्त को अपॉइंट किया जाता है कैसे वो काम करेंगे और किन कंडीशन में वो सर्व करेंगे तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट्स गवर्नर के द्वारा अपॉइंट जरूर किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कंसल्ट जरूर किया जाता है बट डिस्पाइट दैट स्टेट्स अपने तरीके से लोकायुक्त को अपॉइंट करवाते हैं जिन कैंडिडेट्स को वो फेवर करते हैं अनदर इज द डीले इन रेजोल्यूशन कंप्लेन को रिजॉल्व करने में बहुत समय लग जाता है और कई बार इन्वेस्टिगेशन में भी डिले हो जाता है तो ये भी लोकायुक्त की लिमिटेशन है ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन अ ड्रॉबैक डिपेंडेंस ऑन द स्टेट गवर्नमेंट फॉर फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लोकपाल फंडिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है तो ऑटोनॉमस कहाँ से हुआ डिपेंडेंस आ गई ना स्टेट गवर्नमेंट पर अब यही सोच के देख लीजिए कि फंडिंग पाने के लिए लोकायुक्त को स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा सो दे आर नॉट मच इंडिपेंडेंट सो ये लिमिटेशन जो है इंडिपेंडेंस का टेल कर लेती है लोकायुक्त की तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इसके साथ ही साथ इनकी सिग्निफिकेंस भी है जिसको मैं रिपीट नहीं करना चाहती पहले बता चुकी हूँ कि एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजेंस की जो शिकायतें हैं इस मकैनिज़म के द्वारा सुनी जाती हैं उन शिकायतों के आधार पर इंक्वायरी की जाती है और इससे क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी आती है ट्रांसपेरेंसी आती है एडमिनिस्ट्रेटर्स ट्रांसपेरेंट होके कार्य करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है अगर वो ट्रांसपेरेंट होके काम नहीं करेंगे करप्शन में इंडर्ज करेंगे तो उनकी कंप्लेन की जा सकती है और लेटर ऑन उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है सो so, ट्रांसपेरेंसी आ गई लोग जो हैं अकाउंटेबल बनेंगे ये पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं वो अकाउंटेबल बनेंगे टूवर्ड्स दिटीजन ऑफ द कंट्री साथ ही साथ करप्शन में डाउनफॉल आएगा सो दिस वूडे टॉपिक जिसमें मैंने आपको ओमबचम समझाया लोकपाल समझाया लोकायुक्त समझाया इन द इजीएसट लैंग्वेज पॉसिबल एक ही लेक्चर वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है सो आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच आपका दिन शुभ हो